नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत राठौड़। दोस्तों, लॉकडाउन के इस समय में समय का कैसा सदुपयोग करें, आयुर्वेद को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं, इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने आज तक नीम बात लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आज मैं आपको नेचुरल स्क्रबिंग का एक अनोखा उपाय जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। सलून बंद है, स्पा बंद है, ब्यूटी पार्लर बंद है, लेकिन हर एक को सुंदर दिखने की चाह मन में रहती है। तो आइए, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कैसे हम अपने स्किन को ग्लो कर सकते हैं घर में बैठे ही नेचुरल हर्बल तरीके से। यह एक ऐसा नुस्खा है जो सभी को पता होगा, बेसन अपने स्किन के ऊपर लगाना। लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसका अच्छा उपयोग आपको हो सकता है। यह सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन इसके पहले डॉक्टर राठौड़ आयुर्वेदा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए, मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इस बेसन के चूर्ण में, बेसन बाथ में। आइए, सबसे पहला तो अपना मेन इंग्रेडिएंट है बेसन, चना दाल का आटा अर्थात बेसन, और इसे चनक के नाम से जाना जाता है संस्कृत में, एंड दिस इज कॉल्ड एज चनक चूर्णम। बेसन का चूर्ण को संस्कृत में चनक चूर्ण कहा जाता है। तो इस चनक चूर्ण का उपयोग करके हम स्किन को कैसे चमका सकते हैं, यही विधि है। सबसे पहले हमने बेसन लिया, इसमें हल्दी मिक्स की, शहद डाला, थोड़ा सा दूध ऐड किया और इसको हिलाया, गुलाब जल ऐड किया है और अच्छे से हिलाया। अच्छे से मिक्स किया हुआ यह बेसन का आटा अभी हमें अपने बॉडी के ऊपर लगाना है। सबसे पहले हम इसको चेहरे पे लगाने जाएंगे। बेसन यह एक्सफोलिएटिंग फैक्टर है इसमें, इसके अंदर एक्सफोलिएटिंग अर्थात डेड स्किन्स को निकालने की प्रॉपर्टी इस बेसन के आटे में है। और उसके साथ साथ हमने हल्दी मिक्स की है, शहद डाला है इसमें और दूध डाला है। हमें अच्छे से इस बेसन को लगा लेना है चेहरे पे, गले से। बेसन यह सारे स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सो हर एक स्किन टाइप में यह ट्रीटमेंट उपयोगी है। हम केमिकल के साबुन इस्तेमाल करते हैं जिसमें TFM टोटल फैटी मैटर कितना होता है उसको हम देखते हैं साबुन खरीदते वक्त, लेकिन TFM की वैल्यू से भी अच्छा यह बेसन है। इस बेसन को लगाने से हमारे कई प्रकार के स्किन डिजीज, फॉर एग्जांपल सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, दाग, खाद, खुजली, इस प्रकार के स्किन डिजीज से हमें छुटकारा पाने के लिए यह नेचुरल स्क्रबर है। स्किन डिजीज तब होते हैं जब शरीर की डेड स्किन शरीर से नहीं निकल पाती है। सोराइसिस इज स्किन डिजीज जिसमें डेड स्किन शरीर के ऊपर ही रह जाती है। अभी इस प्रकार हम यह बेसन का आटा शरीर को लगा रहे हैं, बेसन स्नान कर रहे हैं, पसीने की दुर्गंध जो अभी यह धूप काल में पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो इस पसीने की दुर्गंधी से भी छुटकारा पाने के लिए हमें यह मदद मिल सकती है यह ट्रीटमेंट करने से। और दिस इज अ नेचुरल स्क्रबर, एक्सफोलिएटिंग फैक्टर इसमें है। यह एक्सफोलिएटिंग फैक्टर हमारे स्किन के सेवन लेयर में से, डर्मल इपिडर्मल इस लेयर में से डेड स्किन निकालने के लिए काफी उपयुक्त है। इस प्रकार से पूरे शरीर को हमें यह बेसन लगा लेना है। टैनिंग के लिए, डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स के लिए, ईचिंग सेंसेशन के लिए, रेडनेस, सन बर्निंग के लिए यह ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी कारीगर साबित हो रही है। और यह पुरानी अपने आयुर्वेद की परंपरा से चलती आ रही है। अगर हम इस प्रकार से
बेसन के आटा लगा के स्नान करते हैं तो आपको कोई भी साबुन यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। कुछ पे लोगों का मुझे सवाल आता है कि यह इस प्रकार स्नान करने के बाद स्मेल आता है, वो नहीं जाता है, इसलिए हमने गुलाब की पंखुड़ियां जल में डाली है जिस कारण गुलाब जल का थोड़ा सा अच्छा स्मेल आपको आए। अच्छा, यह बेसन स्नान लगाने के बाद हमें कुछ देर इसे सूखना है, सूखने देना है, और सूखने के बाद हमें नॉर्मल पानी से नहाना है। प्लीज डोंट यूज द सोप आफ्टर दिस बाथ। और जनरली साबुन का आप जितना कम से कम यूज करेंगे उतना आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। साबुन का ज्यादा यूज करने से स्किन ड्राई हो जाती है, चाहे उसमें TFM की मात्रा कितनी भी अधिक क्यों न हो। दिस इज अ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग के लिए हमने मिल्क ऐड किया है, मिल्क क्रीम ऐड किया है। तो दूध ऐड करने से नेचुरल मॉइस्चराइजर इस स्किन को मिलता है। रोज ऐड करने से स्किन सॉफ्ट होती है, ग्लो होती है। हल्दी ऐड करने से स्किन डिसइंफेक्ट हो जाती है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, दाग, खुजली के कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु स्किन के ऊपर अगर बैठे हुए हैं तो वो हल्दी उसको मार देगी। बेसन एक्सफोलिएटिंग फैक्टर का काम करेगा, नेचुरल स्क्रबिंग का काम करेगा, हेयर फॉलिकल्स में अटके हुए स्मॉल स्मॉल एयर पोल्यूटेंट्स को या फिर डस्ट डस्ट पार्टिकल को वो खींच के निकालेगा। अभी कुछ समय के लिए हम इसको ड्राई होने के लिए देंगे। तो दोस्तों, अभी ये पूरा सूख गया है क्रीम, और यहाँ पे इसको निकालने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसको थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे और इस ऑयल को हल्का सा फेस के ऊपर लगाएंगे, तो ये जो जमा हुआ जमी हुई जो बेसन है ये आराम से धीरे धीरे निकल जाएगा। इसको प्रतिलोम गति से हमें ऊपर की तरफ करना है, फॉलिकल्स की अपोजिट डायरेक्शन में, और ऐसे करेंगे तो एक्स्ट्रा जो बाल है वो भी निकल जाएंगे स्किन के ऊपर के। वैक्सिंग करते हैं आजकल महिलाएं, तो ये वैक्सिंग की नौबत कम आ सकती है, क्योंकि इसमें रगड़ने की जो हमारी पोजीशन है इसमें काफ़ी सारे हेयर फॉलिकल्स भी, अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी निकल जाती है। तो तो दोस्तों, अभी मैं नहा के तैयार हुआ। यहाँ पे चनक चूर्णम अर्थात चने दाल के चूरन से बेसन से नहा के आई एम रेडी राइट नाउ, एंड यू कैन सी द स्किन ग्लो ऑन माई फेस, ऑन माई हैंड्स काफ़ी, और मैं भी खुद की स्किन काफ़ी सॉफ्ट महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, सुंदर त्वचा होने के लिए, सुंदर दिखने के लिए यह मत कीजिए कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी क्रीम, कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी साबुन। सिर्फ सुंदर दिखने के लिए मत कीजिए, अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आप स्टेप्स लीजिए। सो ब्यूटिफुल स्किन इज द बाय प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द हेल्दी स्किन, यह ध्यान में रखिए। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो डेफिनेटली आपके स्किन अपने आप ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। डोंट गो फॉर एडेड आर्टिफिशियल केमिकल मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड प्रोटीन्स आपके साबुन में, बॉडी वॉश में, हेयर वॉश में जो है वो केमिकल्स को आप अवॉइड कीजिए और नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए। यही हमारा एक प्रयास है, यही संदेश हम आपको आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब डॉक्टर राठौड़ आयुर्वेदा, स्वास्थ्य रक्षणाय समर्पिताय, धन्यवाद।